वीडियो में आवाज सही से नहीं आती। ओ बड़े पीकर तो अच्छी जाऊंगी। मम्मी मेरा अगर YouTube चैनल चल गया ना, मैं थोड़े सारे सपने पूरे कर दूंगा। नौ लाख पूरे, पुत मेरे पे, पोता मेरे पे, बहू बड़ी सुलक्ष्मी मेरे पे। तो मैंने माइक तो दिलवा दो यार, थाने कही थी इस महीने पैसे दूंगी माइक लेने। मतलब थोड़ा सा अपना वो डालो ना यूट्यूब देता है कि सपोर्ट दो, थोड़ा फंडिंग करो, मेरा यूट्यूब चैनल चले। मतलब पहले फंडिंग में इतनी होगी, बस 3,000 रुपए का चल दिलवा देंगे। देख लो भाई दोस्तों, मम्मी कह रही है माइक दिलवा। सुनने वाला ना अच्छी आवाज आवे, लाइक करे तेरा, सब्सक्राइब करे तो मैं तेन 3,000 भी दूंगी। चलो ठीक है, माइक मम्मी की तरफ से डन हो गया। अब बस इंतजार है जिस दिन माइक आएगा, ये मम्मी की तरफ से रहेगा। 3 days later। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है अपना एक सरप्राइजिंग चीज पे, जो क्या मम्मी ने मुझे यूट्यूब के लिए दिलाई है। मतलब मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट किया था कि मम्मी मुझे कुछ ऐसा दिला दो जिससे कि मैं यूट्यूब पे अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो मम्मी ने फिर मुझे क्या दिलाया वो मैं बता देता हूँ। मम्मी ने मुझे दिलाया ये है ग्रेनैरो का माइक, जो आजकल मार्केट में एक बजट माइक है। मतलब 2,500-3,000 रुपये का आपका अगर बजट है और आपको एक अच्छी क्वालिटी का माइक चाहिए यूट्यूब पे ब्लॉगिंग या इस टाइप का कुछ करने के लिए, तो उस रेंज में ये सबसे अच्छा माइक है। तो मैं आपको इसकी क्वालिटी और इसका एक डेमो करके दिखा देता हूँ कि ये किस लिए अच्छा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, बाकी वीडियो को प्यार दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई सब्सक्रिप्शन का कोई हमने पेमेंट तो लगा नहीं रखा कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी जेब से इतना पैसा जाएगा। कोई मुफ्त में है यार, बस बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाना है आपको, तो इतना आप मेरे लिए कर लीजिए करिए प्लीज़, और वीडियो को हमेशा लाइक करिए करिए। तो मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या निकला है और ये कैसे वर्क करता है, ये जो ग्रेनैरो का माइक है। तो मैं इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो इसमें जो निकलता है माइक में, एक तो ये चार्जिंग केस निकलता है माइक का, और ये डुअल चैनल माइक है, यानी कि एक साथ अगर दो लोग हैं व्लॉगिंग वगैरह या दो लोगों के साथ आपको काम करना है तो उसमें ये कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आईफोन से इसको कनेक्ट करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल माइक है, आईफोन एंड्रॉयड किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, तो आईफोन के लिए अलग से इसका एक पिन दी हुई है और एक चार्जिंग के लिए केबल दिया हुआ है। इसमें भी दो तरीके के हैं, एक तो यूनिवर्सल है और एक टाइप सी है, और साथ में एक आता है वारंटी कार्ड, तो इसको आप हमेशा संभाल के रखिएगा। और फिर एक मैनुअल है इसका, तो मैनुअल हम बाद में देखेंगे। तो अभी माइक के अंदर क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। तो माइक के अंदर सबसे पहले है ये टी, ये टी का हमें क्या करना है, ये टी हमें लगानी है अपने मोबाइल फ़ोन में। और अगर मान लीजिए जैसे कि आप इसको आईफोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो ये टी आप यूज़ कर सकते हैं अपने आईफोन में, और फिर आईफोन में लगाने के बाद इस टी को इसमें कनेक्ट कर देंगे, इस वाली में, इसको, इसमें, इस टी को। और ये साथ में और भी इसके मतलब कुछ अगर ऑक्स वगैरह केबल से आपको यूज़ करना है तो वो दिया हुआ है। बाकी इसमें दो माइक हमें दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये दो माइक हैं, ब्लूटूथ वाले माइक हैं। तो मतलब इनमें वायरलेस माइक हैं, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करने की कोई झंझट नहीं है, और ना ही इनको चार्जिंग करने की इस चीज़ को, कि काफ़ी सारे माइक्स में ऐसा होता है कि इसको चार्ज करना पड़ता है जो इसका कनेक्टर है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली मोबाइल में आप लगाइए और ये ऑटोमेटिकली उससे अर्थिंग लेता रहेगा मोबाइल से आपके, तो इसमें बार बार चार्ज करने का झंझट नहीं है। बाकी हाँ, माइक को चार्ज करना होता है, और इनका जो बैटरी बैकअप है वो 5-6 घंटे आराम से चल जाते हैं, तो एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी है। और चार्जिंग केस जो है ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, तो एकदम से माइक आपका चार्ज भी हो जाएगा। तो ये दो माइक हैं इसके साथ, तो मैं माइक के बारे में दिखा देता हूँ। तो अगर हम एक बार इसको प्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे, तो ये ऑन हो गया और ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी कनेक्शन मांग रहा है, अभी कनेक्टेड नहीं है। और जब ये ग्रीन लाइट में बिल्कुल रेगुलर चलने लगेगा तो उसका मतलब होगा ये कनेक्टेड है। तो अब मैं आपको माइक की क्वालिटी दिखा देता हूँ। अभी मैं बिना माइक के वीडियो बना रहा हूँ, तो जब मैं इसको माइक को कनेक्ट करूँगा तो आपको क्वालिटी में फ़र्क मिलेगा देखने को, तो आप बने रहिएगा। तो देखिए, अब ये मतलब एक बार ही चलने लगा है माइक, यानी कि अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब जो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी वो इस माइक के थ्रू हो रही होगी। तो अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। तो माइक को मैंने अपनी हुडी के इसमें क्लिप में लगा लिया है। अब मैं इसको एक बार और सही से करके थोड़ा ऊपर करके लगा लेता हूँ।
मैंने यहाँ पे लगा लिया अब इस माइक को, तो ये माइक है अब कनेक्टेड, तो मेरी जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है अब वो माइक के थ्रू हो रही है। आपको शायद देखने को भी मिल रही होगी कि माइक के थ्रू मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, और इसमें काफ़ी सारे मोड हैं। और अगर आप जैसे कि माइक आपका कनेक्टेड है और आप माइक से लाइव अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये वाली जो पिन है इसमें कनेक्ट करनी है और इस पिन में अपनी ऑक्स केबल लगा लेनी है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप अपनी माइक की लाइव आवाज़ सुन पाएंगे कि आपका माइक कैसे काम कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, रुके रहिए। तो गाइज देखिए, मैंने इसमें ये ऑक्स केबल कनेक्ट कर ली है, तो अब मैं अपनी आवाज़ को लाइव सुन सकता हूँ कि कैसी आ रही है, कैसा मतलब रेस्पॉन्स आ रहा है आवाज़ का। तो इसमें ये फैसिलिटी भी है, मेरे कान में एयरफोन लगी हुई है और एयरफोन इससे कनेक्टेड है, तो मुझे पता चल रहा है कि कैसी आवाज़ आ रही है, कैसा ये अभी परफॉर्म कर रहा है। बाकी इसमें और भी फैसिलिटीज़ हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम करती हैं, तो आप बने रहिए। तो गाइज देखिए, मैं आपको दिख नहीं रहूँगा, बट जहाँ तक है मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। मैं मोबाइल से बहुत दूर हूँ तो मैं दिखा देता कहाँ हूँ। मैं अभी अपने किचन में खड़ा हूँ और मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल साफ साफ आ रही होगी। हाँ, क्योंकि माइक की जो कनेक्टिविटी है वो 10 मीटर तक है, शायद 10 मीटर से भी ज़्यादा है, तो 20 या 25 मीटर के रेंज है। मैंने कनेक्टिविटी के बारे में इतनी मुझे मतलब मैंने पढ़ा नहीं है कि कितनी कनेक्टिविटी है। बहरहाल मैं काफ़ी दूर हूँ अपने मोबाइल से, यहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा कम से कम 25 से 25 फिट तो होगा, और आई थिंक मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल साफ आ रही होगी। तो अब बताइएगा, अगर आपको आवाज़ साफ आ रही होगी तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, नहीं आ रही होगी, कोई लैक आ रहा होगा तो बिल्कुल बताइएगा। बाकी और भी मैं इसके आगे जो फीचर्स हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, आप बने रहिए। तो गाइज मैंने क्या किया, अपने किचन का एग्जॉस्ट ऑन कर दिया है और अब आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही होगी और मेरी भी आवाज़ आ रही होगी। तो अब मैं इसमें आपको जो फीचर है वो दिखाने वाला हूँ, उस फीचर का नाम है नॉइस कैंसिलेशन। तो नॉइस कैंसिलेशन इसका कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप बने रहिए। तो गाइज मैं आपको बताने वाला था इसके नॉइस कैंसिलेशन के लेवल। तो इसमें टोटल जो आते हैं वो 4 लेवल हैं, 0 लेवल है, 1 लेवल है, 2 लेवल है और 1 3 लेवल है। तो अभी मैंने एग्जॉस्ट फैन देखिए ऑन किया हुआ है और मेरी आवाज़ के साथ साथ आपको एग्जॉस्ट फैन की भी आवाज़ आ रही होगी। ये 0 लेवल पर अभी चल रहा है, तो अब हम चलते हैं इसके पहले लेवल पर, तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि पहले लेवल पर कितना डिफरेंस है। तो पहले लेवल पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो इसका बटन है मैं निकाल लेता हूँ इसको 1 सेकंड के लिए। तो पहले लेवल पे हमें जाने के लिए क्या करना होगा, इसका जो बटन है ये वाला, हमें एक बार प्रेस करना होगा और ये लाइट एक बार ब्लिंक करेगी। तो मैं दिखा देता हूँ, एक बार प्रेस किया तो ये अब हम पहले लेवल पे, यानी कि इसका पहला गियर लग चुका है नॉइस कैंसिलेशन का। अब आपको एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो कम होगी होगी, तो ये इसका फर्स्ट लेवल है। अब हम चलते हैं सेकेंड लेवल पर। तो सेकेंड लेवल पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार और इस बटन को प्रेस करना होगा और ये लाइट 2 बार ब्लिंक करेगी। तो अब हम आ गए हैं सेकंड लेवल पे और आप सुन सकते हैं एग्जॉस्ट चल रहा है अभी ऊपर, और आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि सेकंड लेवल पे और 0 लेवल पे कितना डिफरेंस था। तो ये इसका सेकंड लेवल पे। अब इसको बिल्कुल टॉप गियर में लगाते हैं, यानी कि इसका बिल्कुल जो फाइनल लेवल है उस पर चलते हैं। तो उस पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार फिर से इस बटन को प्रेस करना होगा और ये जो लाइट है ये 3 बार ब्लिंक करेगी। तो अब हम बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं, अब आपको बिल्कुल एग्जॉस्ट की आवाज़ मतलब नाम मात्र आ रही होगी, मेरी आ रही होगी ज़्यादा आवाज़। तो ये इसका बिल्कुल टॉप लेवल है, तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इसके नॉइस कैंसिलेशन में। अगर हम कहीं भीड़ भड़ाके के एरिया में भी हम व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो हम इसके टॉप लेवल या सेकंड लेवल या फर्स्ट लेवल का यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब दोबारा से मैं 0 लेवल पर चलता हूँ तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मेरी आवाज़ में कितना डिफरेंस है। देखिए अब हम 0 लेवल पर हैं तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कितनी आवाज़ आ रही है। और बाकी इसमें एक और मोड आता है इको मोड, तो इको मोड को ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये बटन ना 2 बार 3 बार प्रेस करना होगा। तो ये अब इको मोड पे लग गया है। अब इको मोड पे आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, और इको मोड में भी हमारे पास 3 लेवल्स हैं, पहला, दूसरा, ये दूसरा लेवल है, और ये तीसरा। तो ये इको मोड पे भी ऐसे काम करता है, इको मोड में भी 3 लेवल है। अब हम फिर से 0 लेवल पे चलते हैं और वापस से इसको नॉर्मल मोड में कर लेते हैं, तो हमें फिर से ये 3 बार दबाना होगा। तो अब हम वापस से अपने नॉर्मल वॉइस में आ गए हैं और 0 लेवल पे अभी। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर आप कहीं भीड़ भड़ाके में भी काम मतलब व्लॉगिंग शूट करना चाहते हैं तो आप इजिली इस माइक के थ्रू कर सकते हैं। तो ये अच्छा माइक है और ये बहुत अच्छे फीचर हैं इसके, नॉइस कैंसिलेशन तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी आप वीडियो में देख के बताइएगा कि नॉइस कैंसिलेशन कैसा लग रहा है आपको। थैंक यू। तो गाइज देखिए, अब मैं अपनी मतलब गली में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत चलता है, तो फिर भी मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो ये लेवल 1 की आवाज़ है, अभी लेवल 2 पे मैं करूँगा तो ट्रैफिक की आवाज़ और कम हो जाएगी, तो बने रहिए।
अब मैं लेवल 2 पे आ गया हूँ। तो अब इसमें आपको मतलब थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन मिला होगा। अब मैं अगर लेवल 3 पे चलता हूँ तो बाहर की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। और ये फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड लेवल है, सॉरी अभी हम सेकंड लेवल पे हैं। तो अभी जैसे गाड़ी वगैरह जा रही है तो इसके मतलब कम आवाज़ आ रही होगी। अब मैं बिल्कुल टॉप लेवल पे, इसको क्लिक करने के लिए एक बार और हमें इस बटन को दबाना होगा। तो अब हमें बिल्कुल टॉप लेवल पे, तो अब आपको बिल्कुल शांति दिख रही होगी, कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी फालतू की बाहर की, मेरी आवाज़ आपको बस सुनने को मिल रही होगी। तो अभी मैं अपने मतलब बालकनी में मतलब अपने गेट के पास खड़ा था। हाँ, तो ये गली है, काफ़ी चलती है, तो ये आप डिफरेंस आपको देखने को मिल गया होगा कि थर्ड लेवल पे कैसा है। अब मैं वापस से 0 लेवल पर चलता हूँ, तो अब मैं 0 लेवल पर आ गया हूँ, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि 0 लेवल पर और थर्ड लेवल पर कैसा डिफरेंस है इसका। तो गाइज़ ये है हमारा माइक, जो हमारी मम्मी की तरफ से एक गिफ्ट है हमारी यूट्यूब चैनल के लिए, ताकि हम अच्छे से यूट्यूब चैनल पे काम कर सकें। तो अगर आपको ये चाहिएगा तो मैं इसका लिंक लगा दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में भी और अपने डिस्क्रिप्शन में भी, अगर आपको ये माइक ख़रीदना है। बहुत बढ़िया माइक है, बजट वाला माइक है, मेरा 2572 रुपये का पड़ा है डिस्काउंट के बाद, वरना ये 3,000 के लमसम माइक था, बट डिस्काउंट के बाद मुझे 2500 रुपये का पड़ा है ये। और इसमें एक और वर्ज़न आता है केवल एंड्रॉयड का, वो शायद आपको 2100 रुपये का पड़ेगा अगर आप डुअल चैनल एंड्रॉयड लेना चाहते हैं, केवल यूनिवर्सल नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारे पास एक आईफोन भी है, तो इस चक्कर में हमने इसे मतलब यूनिवर्सल पे लिया है। और जो इसका एक और वर्ज़न आता है वो सिंगल चैनल आता है, वो यूनिवर्सल होता है, वो 1700 या 1900 रुपये का पड़ता है। तो अगर आप सिंगल चैनल, लेकिन हम दो लोग हैं तो हमें दो माइक की रिक्वायरमेंट है व्लॉगिंग करने के लिए, एक बानी का एक मेरा, तो इसलिए मैंने दो माइक ऑर्डर किए हैं। तो ये आप बताइएगा, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में लिंक पर क्लिक करिए, आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो व्लॉगिंग के हिसाब से मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगी। थर्ड लेवल पे जाने के बाद तो हम, अगर हम बीच चौराहे पे भी खड़े हैं तो हमारी ही आवाज़ आएगी, बाकी और कोई बाहर की आवाज़ नहीं आएगी, इतना तगड़ा नॉइस कैंसिलेशन इस माइक का है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मैं अपनी माँ का फिर से एक बार थैंक यू करना चाहता हूँ, माता का, कि आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया मेरे YouTube के लिए, ताकि मैं ग्रो करूं, अच्छे से वीडियो बनाऊं। एक वॉइस की काफ़ी शिकायत रहती थी लोगों को कि आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आती है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने ये माइक परचेज़ किया। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिस भाई ने नहीं किया तो मैं फिर से बोलूँगा, कोई सब्सक्रिप्शन का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से बस सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। तो चैटन ब्लॉक्स की तरफ से सबको टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, सत श्री अकाल।